करने वाले हैं एक पेंटिंग। उसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए वेडिंग कार्ड। वेडिंग कार्ड का वाइट पोर्शन आपको ले लेना है एंड वाइट प्लेन पेपर। ये देख लो आप, एकदम वाइट प्लेन पेपर है। जो ये है ना थिन कार्डबोर्ड, उसको अपन को इस पर ग्लू करना है। जैसे कि ये है, इसको लेना है आपको, इस पर ग्लू लगा देना है। अगर आपके पास वेडिंग कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप प्लेन पेपर पे भी बना सकते हैं। आपको इस पर ग्लू लगा लेना है। यहाँ पे मैंने ग्लू लगा दिया है। ग्लू लगाने के बाद आपको इस पेपर को इस पे पेस्ट कर देना है। मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देती हूँ। गाइस अब ये सूख चुका है, आप देख लो। एंड ये जो इसका आधा पोर्शन है बचा है ना, उसको आपको कट कर देना है। ये जो पूरा पोर्शन है इसका इधर इधर, इसको आपको कट करना है। मैंने इसको कट कर दिया है। अब आपको कुछ वाटर कलर्स लेने हैं, येलो, वाइट, ब्लैक, ऑरेंज और एंड रेड। ये सारे आपको ले लेना है। एंड आप और स्पॉन्ज ले लेना है। स्पॉन्ज ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। अब अपन अपनी पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। आपको एक ऐसा ब्रश ले लेना है, थोड़ा मोटा। एंड अब हम लेंगे सबसे पहले येलो कलर। येलो कलर ले लिया है। अब इसको अपन को करते हैं। गाइस मैंने येलो कलर कर दिया है। येलो कलर के बाद हमें चाहिए पिंक कलर। अगर आपके पास पिंक कलर नहीं है और रेड और वाइट है तो उसे आप पिंक बना सकते हैं। रेड और वाइट को मिक्स करके आप पिंक बना देना। अब मैं करती हूँ पिंक। गाइस अब हमको करना है ऊपर के साइड, ही जो वाइट वाइट बचा है इधर हमें करना है ग्रे कलर। ग्रे कलर के लिए हमें ब्लैक एंड वाइट कलर चाहिए। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ग्रे कलर बन जाएगा। चलो अब इन दोनों को मिक्स करते हैं और ग्रे कलर बनाते हैं। ये है मेरा वाइट कलर।
मैंने वाइट कलर ले लिया, ये रहा है इसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर, वाइट और ब्लैक को मिक्स करेंगे तो ग्रे बनेगा, ये देख लो। गाइज ये रहा ग्रे कलर, अब हम ये वाला ग्रे कलर ऊपर कर देते हैं। गाइज अब मैंने ये येलो, पिंक, ऑरेंज एंड ग्रे ये सारे कलर मैंने कर दिए हैं। अब ऐसा ही मैं इसके ऊपर सुंदर सा एक ट्री बनाऊंगी एंड फिर एक पतला ब्रश लेके छोटे छोटे डॉट्स बना दूंगी। आओ मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पतला ब्रश, ये रहा पतला ब्रश, कोई सा भी पतला ब्रश चलेगा। पतले ब्रश के बाद हमें लेना है ब्लैक कलर, ब्लैक कलर मैंने ले लिया है। अब ब्लैक कलर से हम बनाएंगे यहाँ पे एक सुंदर सा ट्री। आओ मैं आपको सिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। गाइस मैंने ब्लैक कलर ले लिया है, अब मैं बनाती हूँ ट्री। ये पूरा सूख जाए उसके बाद ही आप ट्री बनाना। इसके अंदर आपको ब्लैक कलर फिल कर देना है। आपको ऐसा बना देना है ट्री के नीचे का पोर्शन। अब हम बनाएंगे सूखी डंडिया, अब अपन बनाते हैं।
आपको ऐसा ट्री बना लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फॉर्म लेना है। ये शायद से मार्केट में अच्छे से अवेलेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेरे को तो ये किसी चीज़ में आया था इसलिए मैं ये फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, वरना मैं भी ब्रश ही यूज़ करती। मैंने ये सिंपल सी ड्राइंग बना ली है, इतने सिंपल। अब हम ये छोटी भी है एंड सिंपल भी क्यूट भी, आप इसको रूम में कहीं पे भी किस जगह लगा सकते हो। एंड उसके बाद आपको फॉर्म लेना है, उस पर ऐसे करना है, ब्लैक कलर लगा देना है मतलब। अगर आपके फॉर्म पे ब्लैक कलर नहीं लग रहा तो आप ये वाला जो पोर्शन है इस पर भी लगा सकते हैं एंड फिर ऐसे ऐसे कर सकते हैं। मैं आपको भी बताती हूँ कैसे। मैंने ये ले लिया, अब हम ऐसे करेंगे। आपको ऐसे नहीं करना है क्योंकि ऐसे ये आपका ब्लैक कलर वेस्ट भी होगा एंड ये इससे आपका बिखरेगा भी। ये देखो, इसका मैं दूसरा तरीका आपको बताती हूँ गाइस। अब आप ना इस पे येलो कलर लगाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, इससे आपका ये और फैल जाएगा। इससे अच्छा मैं आपको एक और ट्रिक सिखाती हूँ, अगर आपका ऐसा फैल जाए तो। आपको लेनी है एक प्लेन शीट एंड उसको छोटे साइज में आपको कट कर देना है। गाइस, आपको ऐसा पेपर कट कर लेना है एंड इस पेपर को कट करने के बाद इसके पीछे आपको लगाना है ग्लू। एंड मैंने इस पे ग्लू लगा दिया है। अब इसको यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। मैंने इसको पेस्ट कर दिया है एंड ये सूख जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रश लेना है एंड इस पे पेंट कर देना है। इसको आपको थोड़ी देर तक सूखने देना है। सूखने के बाद आप है ना फॉर्म को यूज़ नहीं करोगे, ये इस फॉर्म को आप बिल्कुल नहीं यूज़ करोगे ज़्यादातर पेंटिंग के लिए, क्योंकि इससे देखा आपने अभी जस्ट मेरी पेंटिंग ख़राब हुई। आप ज़्यादा फॉर्म पेंटिंग में यूज़ नहीं करें। गाइस, जब तक ये सूख रहा है तब तक हम यहाँ पे थोड़ी डिज़ाइन कर देते हैं। हमें लेना है वाइट वाइट कलर। मैंने वाइट कलर ले लिया है। वाइट कलर लेने के बाद आपको क्या करना है वो मैं अभी आपको यहाँ पे बता देती हूँ। मैंने इसमें वाइट कलर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये सर्कल बना के अपन को यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, वाइट कलर से एक मून बना देना है। चलो करते हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा वाइट कलर ज़्यादा लेना पड़ेगा। इस मून को नीचे ही बनाना है। मैंने यहाँ पे
पे छोटा सा मून बना दिया है। इस मून के बाद हमें कुछ छोटे छोटे यहाँ पे बनाना है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से सर्कल्स बनाने हैं। मैं कुछ ज्यादा स्मॉल बना रही हूँ। मैं थोड़े से बड़े बड़े बनाऊंगी। ऐसे ही आपको यहाँ पे बना देने हैं, ऐसे छोटे छोटे सर्कल्स करके आपको ऐसे स्मॉल स्मॉल डॉट्स बना देने हैं। थोड़े थोड़े पेड़ के बीच में भी बनाने हैं। गाइज थैंक यू दिस वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ आप ऐसी पेंटिंग ज़रूर बनाइएगा। ये पेंटिंग बहुत मेहनत से बनाई है मैंने, ये मेरी फर्स्ट पेंटिंग है। मैंने कभी भी पेंटिंग नहीं बनाई है, ये मेरी फर्स्ट पेंटिंग है। प्लीज़ आप इसको लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़।